अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म है कि अपने कर्म करने से दूसरों का जीवन सुधर जाए और घर में प्रसन्नता आ जाए, यही सबसे अच्छा कर्म है। इसलिए साधु जी, हम जो आज की चर्चा कर रहे हैं ये आपके कर्म के लिए कर रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राख, विश्व रची राख, जो जस करे सो तस फल जा। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा भोगना ही पड़ेगा। बनावटी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अच्छा और सच्चा कर्म यही है जिससे दूसरों का भला हो सके। अच्छा कर्म क्या है? जिससे दूसरों का हित हो। और सच्चा कर्म क्या है? जिस कर्म में भगवान की प्राप्ति हो जावे, यही सच्चा कर्म है। बोलो सीताराम सीताराम। इसलिए साधु जी, एक बात तो बिल्कुल गांठ बांध लो आज की कथा सुनकर, कि हमें ऐसा कर्म करना है जिस कर्म के करने से ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, और कोई भी काम बिना विचार करके नहीं करना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे आपने अगर खेत में चना बोए हैं तो चना ही काटोगे, हाँ जी या ना जी? आपने बीज गेहूं का डाला खेत में तो क्या निकालोगे? गेहूं। अब भले ही चना के दाम दुगने तुगने हो जाए, पर क्या वो गेहूं चना बन पाएंगे? बोलो, कहो ना जी, नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार आपने बुरा कर्म किया तो बुरा भोगना ही पड़ेगा, और अच्छा कर्म किया, भले ही संसार ने नहीं देखा, भले ही किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, पर उसका अच्छे कर्म का फल अच्छा भोगने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कुछ बातें संसार के लिए नहीं, अपने लिए करो। अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, और सनातन धर्म के लिए अपने आप को सावधान रखना, यही अच्छा कर्म है। और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिता। जो बिना विचारे करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। बोलो सीताराम। कुतर्क चाहे जितना कर ले, महाराज हमने काऊ को गौरव नहीं करो, आज लो हमने महाराज झूठ नहीं बोलो। जो आदमी ज्यादा बार बार सफाई दे कि महाराज हम झूठ नहीं बोलते, वही नंबर एक को झुटला समझियो। हाँ, जो बार बार कहे महाराज हमने आज लो बड़ो काम नहीं करो, जो समझ रही हो इन्हें करिया काम के अलावा कछु करो ही नहीं है। बोलो सीताराम। जो करता है वो कहता नहीं, उसके गुण, उसके प्रभाव और उसकी वाणी स्वभाववश बता देती है, और कर्म का फल भी बता देता है। इसलिए साधु जी, एक बात स्पष्ट सुन लो, आप अपने दिन में, अपने जीवन में, अपने वर्ष में कुछ समय गोविंद का रस पीने के लिए समय निकालो, ये भी कर्म है। भगवान की कथा सुनना भी कर्म है। भगवान की कथा सुनने के लिए समय निकालोगे, कथा में श्रम करोगे, कथा में सेवा करोगे, कथा में सहयोग करोगे, गोविंद के गीत गाओगे, तो इसका फल यह निकल करके आएगा कि आपकी आने वाली संतति भी आपकी सेवा करेगी, और आने वाली पीढ़ी भी सनातन धर्म का आपकी प्रचार करेगी। ही पुत्र पिता के धर्म, पिता के धर्म से पुत्र बढ़ता है। इसलिए साधु जी, आप गोविंद के नाम के पीने का संकल्प लो, भगवान की कथा सुनने का संकल्प लो, और जो करते हो वो करो। बैरागी बनने की जरूरत नहीं, सन्यासी बनने की भी जरूरत नहीं है, साधु बनने की भी जरूरत नहीं है, बाबा बनने की भी जरूरत नहीं है। आप जो हो वही करो, पर उसमें ये भर ध्यान रखो कि किसी का बुरा ना होने पावे, सनातन धर्म का विरोध ना हो पावे, बस इतना करो और गोविंद के नाम का रस पीना प्रारंभ कर दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा।